श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं भगवान शिव की पवित्र गुफा शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे साथ में। और अगर आप लोग माता वैष्णो रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो कटरा से किस प्रकार शिवखोड़ी दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आज शिवखोड़ी जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं, वहाँ पे भी दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे हम लोगों ने ये होटल, ये गेस्ट हाउस है ना, क्या नाम है सर? प्रशांत गेस्ट हाउस, जो कि है अंबिका चौक के पास में। तो यहाँ लिया था और अब सभी लोग इसको चेकआउट करके निकल रहे हैं। बस आ गई हमारी, बस बुक की है सभी लोगों ने, तो शिवखोड़ी के दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। तो आज की यात्रा भी बहुत अमेजिंग होने वाली है, बने रहे हमारे साथ। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय माता दी। यात्री इतने हैं कि पूरी एक बस ही बुक करवा दी। देखो शिवखोड़ी पे ऐसा कौन कौन है जिसने एक दो बार दर्शन अभी? कोई नहीं गया, कोई नहीं बार जा रहा है। जय माता दी, जय माता दी। निकल चुके हैं और रास्ते के सुंदर नजारे आप देख सकते हैं। ये नीचे बह रही है बाण गंगा और बहुत अद्भुत सुंदर नजारा। तो ये ऊपर जो रास्ता देख रहे हैं ये त्रिकूट पर्वत का है माता रानी के दर्शन के लिए, जो हम कल गए थे। क्या शानदार दृश्य है, रास्ते बस पहाड़ी रास्ते हैं इधर बस। दोस्तों कटरा से शिवखोड़ी तक की दूरी लगभग 80 से 85 किलोमीटर की है। और जब आप शिवखोड़ी दर्शन के लिए निकलेंगे तो चार पांच पॉइंट ऐसे आएंगे जहां आप लोग दर्शन करके जा सकते हैं। हम लोगों की शाम को जम्मू से अमृतसर की ट्रेन थी, इस वजह से हम लोग केवल शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम लोग बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। यदि आप लोग पर्सनल गाड़ी से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हैं तो शिवखोड़ी तक भी आप लोग अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। और यदि आप लोग ट्रेन से माँ वैष्णो के दर्शन के लिए आए हैं तो आपको यहाँ की लोकल टूरिस्ट बस मिल जाएगी, जो कि शिवखोड़ी तक का केवल 200 से 250 रुपए लेगी और आपको शाम तक दर्शन करवा के ले आएंगी। और बीच में जो चार पांच पॉइंट पड़ते हैं उसके भी दर्शन करवा के आपको वापस कटरा छोड़ देगी। दोस्तों बस की बुकिंग आप लोग कटरा शहर में कहीं भी कर सकते हैं। जब आप लोग रोड पे निकलते हैं तो इनके बहुत सारे ऑफिस आपको मिल जाते हैं और ये बीच बीच में आप लोगों से पूछते भी रहते हैं शिवखोड़ी शिवखोड़ी। तो या तो आप शाम को बुकिंग कर लें जब दर्शन करने जाए माता रानी के, या फिर सुबह जब शिवखोड़ी के लिए बस लगती है तो उस समय आप लोग बस में बैठ जाएँ और ये सुबह से लेकर शाम तक आपको दर्शन करवा के वापस कटरा शहर में छोड़ देती है, केवल 200 से 250 रुपए लेती है। हम 19 लोग हैं इस वजह से हम लोगों ने एक बस ही बुक कर ली है और शिवखोड़ी दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा जम्मू जाने वाले हैं। हमारी बस रुकी है यहाँ पे, यहाँ होती है एडवेंचर एक्टिविटी, राफ्टिंग के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। रैना एडवेंचर एंड टूर। जय भोले, जय भोले। ये है भारत का स्वर्ग प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये जो खूबसूरत नदी आप लोगों को दिख रही है ये है कश्मीर की फेमस चिनाब नदी। और इसमें पानी आप लोगों को दिख रहा है, अभी बरसात हुई है इस वजह से, लेकिन इसका बहाव देखिए कितना तेज बहाव है। तो भैया अभी हम लोग रुके हैं एक पॉइंट पे जहाँ पे सभी लोग भोजन करके आगे निकलेंगे। तो सभी यात्री बस में से उतर चुके हैं। पहाड़ों पे जो खूबसूरती है ना वो एक अलग ही लेवल होती है। तो भैया सभी लोगों का हो चुका है भोजन, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली है जिसमें कि बहुत सारे कश्मीरी फल दिख रहे हैं, पता नहीं ये क्या क्या है। तो एक खा के देखा था हम लोगों ने, ये जेली जैसा लगता है लेकिन ये नेचुरल फल है, किसी भी रसायन का बनाया हुआ नहीं है। तो देख सकते हैं बहुत सारे हैं इसमें, तो अगर आप लोग इधर आते हैं तो इनको टेस्ट करके देख सकते हैं या ख़रीद भी सकते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि शिवखोड़ी जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी ज़िले के सगर गांव में स्थित है
और यह एक बहुत ही पवित्र और पावन गुफा है जिसमें कि भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। यह गुफा शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है और यह भक्तों के लिए साल के 12 महीने खुली रहती है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पार्किंग स्थल तक पहुंच चुके हैं। यहां से हम लोगों को एक टैक्सी मिलेगी जो कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक ले जाएगी। इसके बाद 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी। हमारी बस यहीं पर रहेगी और हम लोग यहां से टैक्सी में जाएंगे कुछ दूरी और इसके बाद कुछ पैदल चलेंगे। 1.5 से 2 किलोमीटर जा रहे हैं इस वाली में, उसके बाद 4 किलोमीटर की जहाँ पे हमारी बस रुकी है वहाँ से ट्रैकिंग स्थल तक की दूरी केवल 1.5 से 2 किलोमीटर की है। बहुत सारे लोग पैदल भी जा रहे हैं, हमें पता नहीं था, नहीं तो हम भी पैदल ही जाते। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ना? हाँ, 4 किलोमीटर। अब यहाँ घोड़े पे जाना चार है, दोनों तरफ से 8 नहीं, दोनों तरफ से 8 पड़ेगी। घोड़े की प्राइस है यहाँ पे दोनों तरफ का 500 और एक तरफ का 300 रुपये। और अब देख रहे हैं सभी लोग घोड़े से जाते हैं। चल दिए हैं भैया दर्शन के लिए, आगे कुछ लोग निकल गए, कुछ पीछे जा रहे हैं। धूप यहाँ बहुत तेज पड़ रही है। लेकिन शंकर भगवान की जय। दोस्तों जब हम लोग माता रानी के भवन की चढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हमारा रूम था कटरा में, और कटरा से लगाकर माता रानी के भवन तक पैदल ही गए और पैदल ही आए, तो लगभग 35 किलोमीटर चढ़े हैं हम लोग। तो इस वजह से मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं ये 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग घोड़े से करने वाला हूँ। और कितने लोग घोड़े से करेंगे, कितने पैदल करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो भैया चढ़ाई करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं पहले, इसके बाद चढ़ाई करेंगे। तो हमारे बाकी के यात्री तो गए हैं पैदल और हम 3 लोग जो हैं वो जाने वाले हैं घोड़े से। तो दोनों लोग बैठ चुके हैं, अब मेरी बारी है घोड़े पे बैठने की। दोस्तों शिव खोड़ी का मतलब होता है शिव की गुफा, और ये जो नदी देख रहे हैं इसका नाम है शिव गंगा। तो अभी हम लोग निकल लिए हैं, ये जो ट्रैकिंग है केवल 3.5 किलोमीटर की है। जय भोले। शादी के बाद दूसरी बार बैठा हूँ घोड़े पे। जय भोले, जय भोले। ये जा रहे हैं हमारे साथी भैया जो कि पैदल चल रहे हैं, और हम 3 लोग जो है वो घोड़े पे जा रहे हैं। जय भोले, आ जाओ। यात्री जो थे वो यहाँ मिले। हम लोग आ चुके हैं तीनों, बाकी के पीछे आ रहे हैं।
क्योंकि हम लोग घोड़े से आ रहे हैं और अब करते हैं बाबा के दर्शन। जय भोलेनाथ। घोड़ा जहाँ भी आपको उतार देगा वहाँ से थोड़ी देर के लिए आपको सीढ़ियों पर चढ़ना है, इसके बाद गुफा आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक घोड़े से या पैदल आने के बाद आपका जो भी सामान है, कैमरा, मोबाइल, बैग, आप यहाँ पे क्लॉक रूम में जमा करके दर्शन के लिए लाइन लग सकते हैं। और सामने जो आप लोगों को गुफा दिख रही है उसमें आपको दर्शन हो जाएंगे। ऐसा बता रहे हैं कि ये गुफा जो है वो अंदर 150 मीटर तक लंबी है, तो भीड़ ज़्यादा नहीं है, दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अभी ये दर्शन करके आए, बहुत ही शानदार तरीके से दर्शन हुए। एक गुफा थी अंदर, एक सुरंग टाइप की है पहाड़ के अंदर, और फिर अंदर है गुफा, और उस गुफा में शिव जी के दर्शन हो रहा है बहुत ही अच्छे से। तो हम सभी ने दर्शन कर लिए हैं। जय भोले की। कैसा लगा गुफा में? बहुत शानदार, अद्भुत नजारा, बेहतरीन गुफा थी। वो तो ये है कि बहुत दूर पड़ता है, अगर पास में होती 100-200-500 किलोमीटर तो कई बार आए थे। गुफा में बस वीडियो नहीं बनाने देते, इतनी शानदार। अरे वीडियो बनाने देते ना तो बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही शानदार अद्भुत नजारे। आपको मैंने भी कई नजारे, एक बार जीवन में दर्शन जरूर करना। अगर आप वैष्णो देवी आते हैं तो यहाँ पे जरूर आए, बहुत ही सुंदर जगह है यार भोलेनाथ जी की। तो 350-500 रुपये खर्चा आता है आने। तो दोस्तों इस तरह से हमारी शिवखोड़ी अर्थात भगवान भोलेनाथ जी की गुफा की जो यात्रा थी वो यहाँ पे हुई पूर्ण। और आप लोग अगर वैष्णो देवी आते हैं तो आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ ज़रूर आएं, यहाँ दर्शन करने के बाद आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, अगर अलाउ होती तो हम लोग आपको एक ऐसा दृश्य दिखाते जो कि आप लोग कभी भूल नहीं पाते। अंदर बहुत ही अद्भुत और सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो अगले ब्लॉग को भी देखना ना भूलें। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। जय हमारे संजीव जी। जय भोले, जय भोले।